हेलो दोस्तों, आई एम अमित जगिया. आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, गॉट 20th रैंक इन CA फाइनल, CS, CMA इंटर, 5th रैंक इन इंटर ऑल ओवर इंडिया एंड 4th रैंक इन फाइनल, LLB, CMA UK, 1st रैंक इन इंडिया, ACC IFRS डिप्लोमा होल्डर एंड हैव प्रोड्यूस सेवरल वर्ल्ड रैंकर्स एंड इंडियन रैंकर्स इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल. दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सीक्रेट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो नॉर्मली कोई रैंक होल्डर डिस्कस नहीं करता है, ठीक है. बट मेरा एंडेवर होता है कि स्टूडेंट शुड बिकम रैंक होल्डर एंड दे कैन गेट रैंक इजीली. अगर मैं ला सकता हूं तो कोई भी ला सकता है. आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. तो मैं आज आपके सामने 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको रैंक होल्डर बनाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप रैंक का सोचेंगे तो पास आराम से हो सकते हैं. अगर आप खाली पास होने का सोचेंगे तो शायद पास होना भी मुश्किल हो जाता है. तो ये पॉइंट उससे रिलेटेड है. तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने स्मार्टफोन से दूर रहना है. आप अगर ये कर सकते हो तो आप अभी की दुनिया में एक गॉड की तरह बन जाओगे, ठीक है. तो आप अगर एक महीना पहले अगर फोन छोड़ सकते हो तो आपने एक अपने को डिसिप्लिन कर लिया है. अभी थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते चलिए, अपने को कम करते चलिए सोशल मीडिया का यूजेज, जिसका कोई फायदा नहीं होता. और धीरे धीरे जब एक महीना बचे आपके एक एग्जाम के लिए तो बिल्कुल फोन का यूजेज छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया का. सिर्फ वही जो फोन का काम है, यानी कि आपको कॉल करना है, पेरेंट्स का कॉल आना है या मैसेज करना है, इतने तक ही रखिए और कुछ मत यूज करिए फोन के लिए, ठीक है. फोन का और कोई यूजेज नहीं होना चाहिए. आप कहोगे आपकी क्लासेस उसके ऊपर होती हैं, क्लासेस आपकी लैपटॉप पे होनी चाहिए या डेस्कटॉप के थ्रू होनी चाहिए. हर एक का वर्क अलग होना चाहिए. बिकॉज आज की दुनिया में सबसे बड़ा न्यूसेंस आपका फोन है. अगर ये फोन हटता है तो आपका पास होना श्योर हो जाता है. सेकेंड पॉइंट की तरह हम लोग चलते हैं दोस्तों. सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, आपको एक स्टडी प्लान जरूर बनाना है और उसको इंप्लीमेंट करना है. अगर आप स्टडी प्लान बना लेते हैं तो आपके पास होने के, आपके रैंक लाने के चांसेस बहुत बेटर हो जाते हैं. स्टडी प्लान का मतलब है कि आपको एक टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आपको बनाना है कि आपको एक दिन में या एक हफ्ते में कितना कवर करना है. और खाली प्लान बनाने से बात नहीं बनेगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना. बहुत लोग प्लान बनाते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कुछ हर्डल आया और वो प्लान को छोड़ देते हैं. लेकिन गाइज, ये डिसिप्लिन होना ही यहाँ पे की है. अगर आप 70-80% भी कर पाते हैं, ऑल्दो आप डिमोटिवेटेड हो गए कि 100% नहीं कर पाए, लेकिन अगर 70-80% भी अचीव हो जाता है तो लेट मी टेल यू, दैट इज मच बेटर देन नो प्लानिंग एट ऑल. और आपने सुना भी होगा, फेलिंग टू प्लान इज प्लान टू फेल. ये बात हर जगह अप्लाई होती है, यहां पे भी इक्वली अप्लाई होती है. तो प्लान बनाइए, उसको इंप्लीमेंट करिए. रास्ते में दिक्कतें आएंगी, चलेगा, लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उसको 70% तक भी, तो आपके पास होने के चांसेस, रैंक लाने के चांसेस बहुत बेटर हो जाएंगे. अगला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टडी वन सब्जेक्ट एट ए टाइम. एज ए स्टूडेंट आप देखोगे, आप एक सब्जेक्ट को अगर पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि आप बोर हो जाओगे, तो आप क्या करते हो, यो दो या तीन या चार सब्जेक्ट एक दिन में इकट्ठा पढ़ना चाहते हो. ये पूरी कंप्लीट रेसिपी है डिजास्टर के लिए. और आपको कई बार कुछ फैकल्टीज भी, कुछ टीचर्स भी ये बोलेंगे आप दो या तीन सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़िए ताकि आप सब पे फोकस कर पाइए. लेकिन दोस्तों, हाइपर फोकस बहुत जरूरी है. अगर आप एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे पढ़ते हो तो आप ये श्योर करो कि आप, अगर कोई बोले कि आपको 15 दिन बाद या 20 दिन बाद कि आप वो एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद बिल्कुल हाँ, आप देने लायक हो जाओगे. लेकिन अगर अभी मैं पूछूं, आप तीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो 80-80% कंप्लीट हो गए, मैं पूछूं क्या आप एक भी सब्जेक्ट का पेपर देने के बाद के लिए कंफर्टेबल हो एक महीने के बाद भी, यू विल नेवर बी कंफर्टेबल. यही अगर आप एक सब्जेक्ट पे फोकस करके पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे तो, और मैं पूछता हूं दो दिन बाद उसका पेपर दे सकते हो, बिल्कुल आप रेडी हो गए उसको देने के लिए एंड यू विल बी बाउंड टू पास इन दैट एग्जाम. इन दिस वे, अगर मान लो आपके 6 पेपर हैं और इस तरीके से आपके 4 पेपर अच्छे तरीके से तैयार हो गए और बाकी दो 80-80% कंप्लीट हुए, यू विल गेट कॉन्फिडेंस और आप इसको आराम से क्लियर कर पाओगे. लेकिन अगर आपके 6 सब्जेक्ट 80-80% कंप्लीट हुए, यू विल नॉट गेट कॉन्फिडेंस इन इवन वन ऑफ द सब्जेक्ट और आपका 6 में पास होना बहुत ही डिफिकल्ट लगने लगेगा. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है अगला भी हाइपर फोकस का पॉइंट है कि आपको एक बुक से एक सब्जेक्ट को पढ़ना है या एक ट्यूटर जिनसे आप कोचिंग ले रहे हो या आपने पहले ली है उन पे विश्वास करना है, ठीक है. तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक बुक एक सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एज ए स्टूडेंट सोचते हो कि हम 10 बुक से पढ़ लें या 10 टीचर्स के नोट से पढ़ लें या 2 या 3 बुक से पढ़ लें, 2 या 3 ट्यूटर्स के नोट से पढ़ लें, ये भी एक बहुत बड़ी रेसिपी है डिजास्टर के लिए. क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता एग्जाम दिन से पहले कि कौन सा आपको पढ़ना चाहिए. हमने मटेरियल तो इतना एक्यूमुलेट कर लिया लेकिन हमें अल्टीमेटली कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कहां से पढ़ें.
तो आप बिलीव करिए, अगर जो चीज एक पढ़ रहे हैं वो अगर आपको 100 नहीं दिला पाएगी लेकिन 90 दिला देगी, पहले उसको पूरा अपने कंट्रोल करिए, पहले उसको पूरा पढ़ के अपना ध्यान रखिए। अगर वो हो गया तो आप उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए जितना मर्जी मटेरियल यूज कर सकते हो, लेकिन जहां तक बात है कंटेंट की, कंटेंट एक ही जगह से पढ़िए, चाहे वो एक टीचर का हो या एक बुक का हो। तो दिस इज अनदर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिकल एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट लाइफ में कि आप इतना बड़ा कंटेंट है, इतनी बड़ी बुक है 700 पेजेस की, 800 पेजेस की, तो आप उनकी थ्योरी कैसे याद रखें। एज ए पर्सन मुझे थ्योरी सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता, लेकिन आप थ्योरी में भी आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आपके नोट्स बने हुए हैं। नोट्स बनाना एक बहुत ही लेबोरियस प्रोसेस है। आपके पास अगर टाइम बचा है अभी पेपर से बहुत दिन पहले, तो डेफिनेटली मेक नोट्स। नोट्स क्या हेल्प करेंगे, एक तो आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होता, दूसरी चीज आपको अपने हाथ का लिखा ज्यादा आराम से समझ में आता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर अपने हाथ से लिखा हुआ है तो आप जो तैयारी, जो लास्ट दिन में आप पूरे जो 700 पेजेस का कंटेंट है अगर आपने नोट्स बनाए उसको एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क लगने लगता है और हो नहीं पाता। और बहुत सारे स्टूडेंट, अभी मैं कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से मिला कि जहां पे उन्होंने बोला कि मेरा पेपर मैं पूरा पढ़ ही नहीं पाया, पेपर आता था मुझे मेरी पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन अगर लास्ट डे से पहले आप रिवाइज नहीं कर पाए तो फिर आपका पास होना मुश्किल है। तो आपको लास्ट डे के रिवीजन के लिए ऐसे नोट्स होना बहुत जरूरी है। ऐसे अगला पॉइंट कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त स्टूडेंट एक गलती करता है कि वो देख लेता है क्वेश्चन कि मैंने देख लिया और मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं करता नहीं हूं क्योंकि बुक ने करा हुआ ऑलरेडी, मैं पेपर में डायरेक्टली कर लूंगा। दिस इज ए बिग 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 नो पॉइंट। ठीक है, आपको यह समझना है कि अगर आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू डू इन एग्जाम ऑल्सो। वहां पे आप स्टक होगे। जब आप अपने हाथ से क्वेश्चन करने लगते हैं तो आपको पता चलता है स्टक हो रहे हो। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ना केवल एक बार करना है, कम से कम दो बार सारे क्वेश्चन करने हैं हर एक मटेरियल के। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन चुनने हैं जो लास्ट डे पे आपको देख के जाने हैं, करने नहीं है लेकिन लास्ट डे पे देख के जाने हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी। तो ये एक और पॉइंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनी सब्जेक्ट। अब ये क्या बात है कि एज ए स्टूडेंट मुझे थ्योरी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगते, किसी को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, किसी को टैक्सेशन अच्छा नहीं लगता, किसी को अकाउंटिंग अच्छा नहीं लगता, किसी को मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगते, तो दोस्तों उससे बात नहीं बनेगी। आप बताइए, क्या आपको क्वालिफिकेशन ये ऑप्शन देने वाली है कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो दो पेपर दे दीजिए और जो नहीं अच्छा लगता वो छोड़ दीजिए? ऐसा नहीं होने वाला। एज ए स्टूडेंट हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फ्यूचर में जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे तब आप अपनी मर्जी का एरिया चुन सकते हो कि आपको किस में प्रैक्टिस करना है, बट एज ए स्टूडेंट हमारे पास वो चॉइस नहीं है। उल्टा जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है स्टार्ट उससे करिए। मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट जब डिफिकल्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत आराम से क्लियर हो जाते हैं, उसमें काफी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, और जहां पे वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें ये तो बहुत अच्छे से आता है उसको पढ़ाई नहीं करते, एंड दे समटाइम्स फेल इन दैट एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो आपको ये समझना है कि आपको सब्जेक्ट जो है उस पर, आपको किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसीलिए आपको फोकस करना है और किसी भी सब्जेक्ट से घबराना नहीं। उल्टा मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपको लगता है उससे स्टार्ट करिए, वो सब्जेक्ट तो हटेगा नहीं लेकिन आपकी टेंशन रहती है, और फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण सब्जेक्ट से डरना है। अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी टाइम। सेल्फ स्टडी टाइम दोस्तों बहुत जरूरी है। आज की डेट में स्टूडेंट क्या होता है, सारा दिन कोचिंग के चक्कर में रहता है, कोचिंग कंप्लीट ही नहीं हो पाती जब तक एग्जाम आने। आपको अगर एक पेपर देना है तो एटलीस्ट आपके पास एक महीने का फुल सेल्फ स्टडी टाइम होना चाहिए, जो आपने घर पे बिताना है, जो आपका कोई और किसी से इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं देते हो तो आप फिर एक मीडियोकर स्टूडेंट की तरह रहोगे। ठीक है, अगर आपको रैंक लानी है तो सेल्फ स्टडी मेक्स यू ए रैंक होल्डर। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो आप स्टडी करिए, आप कोचिंग लीजिए। कोचिंग लेना नॉलेज देता है, कोचिंग डज नॉट गारंटी यू पास और रैंक। ठीक है, तो पास या रैंक होल्डर बनने के लिए आपको सेल्फ स्टडी टाइम अपने लिए निकालना होगा। अगर आप चार पेपर दे रहे हो तो तीन महीने का टाइम कम से कम होना चाहिए, और अगर आप एक पेपर दे रहे हो तो एक महीने का सेल्फ स्टडी टाइम एक्सक्लूसिव अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आपके पास होना ही होना चाहिए। अगला है, अगला सेकेंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर लीविंग योर मोबाइल फोन इज गिव मॉक एग्जाम्स एंड गेट दोज इवेल्युएटेड। मॉक एग्जाम देना बहुत ही अंडररेटेड है कि आप सीधा पेपर देने पहुंच जाते हो लेकिन
अगर आप ये देखोगे कि पेपर में आपको पता होता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, यही चीज अगर आपको एक महीना पहले पता चल जाए या 15 दिन पहले पता चल जाए तो आप उस पर इंप्रूव कर सकते हो। पेपर में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए देने जाना ही जाना पड़ता है। बहुत लोग मॉक्स को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने का प्राइमरी रीजन होता है कि डर, कि अभी तो हमें कुछ भी नहीं आता या हमें सब कुछ आता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन जब आप अटेम्प्ट करने बैठते हो, 3 घंटे बैठना एक पेपर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। मैं खुद जानता हूं कि आप मॉक देते देखते उठ जाते हैं, उसको करने का मन नहीं करता। लेकिन उस अगर मॉक को देता है कोई पर्सन तो उसको पता होता है कि वेयर डज दैट पर्सन स्टैंड नाउ। जो हालत वो पेपर में होने वाली थी वो उसको पहले ही पता चल जाती है कि आज मेरी ये हालत है, मुझे इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। तो दोस्तों मॉक देना बहुत जरूरी है, और कम से कम 3 से 5 मॉक एक पेपर के देने चाहिए और उनको इवैल्यूएट करना है। खुद भी जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका पेपर कैसा गया, कैसा मॉक गया, या आप किसी फैकल्टी से, अपने ट्यूटर से इवैल्यूएट करा सकते हो, फ्रेंड से इवैल्यूएट करा सकते हो। बट मॉक देना और उसका इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है अगर आप शॉर्ट शॉर्ट पास होना चाहते हो, अगर आप रैंक लाना चाहते हो। तो दिस इज सेकेंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट जो है हमारा वो एग्जामिनेशन टाइम से रिलेटेड है। अभी तक जो पॉइंट डिस्कस करे वो आपके प्रिपरेशन टाइम से रिलेटेड थे। अगला पॉइंट जो है वो आपके एग्जामिनेशन हॉल के जब अंदर बैठे हो तब का पॉइंट है। क्या है वो? प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट मैटर्स। दोस्तों अगर आप देखो, अगर रैंक होल्डर का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है कि वो अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। आप अगर कुछ आता है आपको तो आपको उसको प्रेजेंटेबल बनाना है, दिखा के आना है एग्जामिनर को, ये हमें आता है, ठीक है। अगर आप वो दिखाते कैसे हो, अगर आपको आता है तो मेक स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ। सपोज दिस इज सब्जेक्टिव पेपर, तो मेक स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ। 3 से 4 लाइन के सेंटेंस से ज्यादा का बड़ा सेंटेंस नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। आपको जहां पे हो हाईलाइट करिए, डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बनाइए, हाईलाइट करिए, ठीक है, सर्कल बनाइए, कुछ भी आप इस तरह का क्रिएटिव करेंगे। और 3 से 4 लाइनों का सेंटेंस से बड़ा सेंटेंस नहीं, अगर ये करेंगे तो आपका प्रेजेंटेबल दिखेगा आंसर, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना, जहां पे क्वेश्चन नहीं आता, हमें सारे क्वेश्चन तो अच्छे से आते नहीं है, तो जहां पे क्वेश्चन नहीं आता है अच्छे से, उसको आप बड़ा सा पैराग्राफ बनाइए, मे बी 8-10 लाइन और मे बी 12-15 लाइन, उनको आप ऐसे दिखा के, लेकिन दैट शुड बी द लास्ट क्वेश्चन टू डू। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आंसर आते हैं उनको प्रेजेंटेबल, जो नहीं आते उनको क्लब कर दीजिए, लेकिन एग्जामिनर का जो इंप्रेशन होगा वो आपके आंसर से बन चुका होगा, जो आपके शुरुआत के आंसर से होंगे, आपके बाद के आंसर्स को भी वो उसके अकॉर्डिंग वो मार्क करेगा, अच्छे मार्क्स दे देगा, उसको पता है कि आपको आता है लिखना, आपको पता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में। अगली और एक और जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ही मैटर करता है एग्जाम टाइम पे। आपने चक दे इंडिया में सुना है एक डायलॉग कि तुम्हारे पास सिर्फ 70 मिनट है, तो ऐसे ही आपके पास 180 मिनट होते हैं एग्जाम में। वो 180 मिनट में जो परफॉर्म कर गया वो उस दिन बाजी मार जाएगा, ठीक है। और जो चाहे आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो या 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे मैटर नहीं करेगा। अगर आप उस 3 घंटे में परफॉर्म कर गए तो असली में आपने बाजी जीती है। वो 3 घंटे में परफॉर्म करने का तरीका है कि आप जो है 180 मिनट को डिवाइड कर लीजिए, सपोज 150 मिनट और 30 मिनट, 150 मिनट आपका राइटिंग टाइम होना चाहिए और 30 मिनट जो है आपके पास ग्रेस टाइम होना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको जब क्वेश्चन अच्छा आता है, जैसे पहला क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हो वो हमेशा अच्छे से आता है, सपोज उसके लिए आपके पास 30 मिनट्स आपके पास बनते हैं, 20 मार्क्स इंटू सपोज 1.5 मिनट पर मार्क, तो 30 मिनट्स हैं, लेकिन आपको पता चलेगा 30 मिनट्स में तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो ग्रेस टाइम जो है उसमें से 10 मिनट और निकाल लीजिए, तो ग्रेस में 20 मिनट बच जाएंगे। इस तरीके से आप 40 मिनट यहां पे हो गए, और टाइम और भी लगेगा कि नहीं अभी और भी लिखना है, तो आप 2 मिनट और निकाल लीजिए उसके बाद, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। आपके अगर ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में कुछ ग्रेस टाइम लीजिए, ऐसे ही तीसरे, जब तक आपका 4th-5th क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्रेस टाइम की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब वो क्वेश्चन आपको कम अच्छे से आते होंगे। तो आपको इस 180 मिनट को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। उसका बेसिक कारण यह है कि अगर आप मान लो 60% पेपर बहुत अच्छे से करते हो, तो 60% में से आपको पास होने के लिए 50% टोटल चाहिए, तो आपका पास होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जबकि अगर आप असेस होते हो 100% मार्क्स में से, अगर आप मान लो आपने अच्छा पूरा पेपर कंप्लीट करा लेकिन कुछ पॉइंट्स और लिख सकते थे जो आप नहीं लिख पाए बिकॉज ऑफ टाइम पॉसिटी, तो आप लेकिन 100% में से असेस हो रहे हो, आपके पास होने के रैंक लाने के चांसेस बहुत बेटर हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अगला और लास्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ।
ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होती है। बहुत लोग कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, शायद पेपर देने नहीं जाते या पेपर से पहले एकदम घबरा जाते हैं, वो एक बिगेस्ट डिजास्टर पॉइंट है। कि अगर आप घबरा गए तो ऑब्वियसली आप नहीं, अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे पेपर या क्वालिफिकेशन कंप्लीट, डेफिनेटली नो वन कैन हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द क्वालिफिकेशन और पासिंग यू द एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस भी खतरनाक होता है। ओवर कॉन्फिडेंस, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि उनकी तैयारी हो गई 10 दिन पहले ही हो गई, 15 दिन पहले होगी, लेट योर रिजल्ट्स स्पीक, ठीक है। जहां पे आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, जहां पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है, ठीक है। तो आपको आपको एक कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं कर लूंगा, अपने अंदर पता होना चाहिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेट योर रिजल्ट स्पीक। और उसके साथ साथ एक और बोझा हमारे स्टूडेंट झेलते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन का, खासकर इंडियन स्टूडेंट, कि हमारे पे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है या ब्रदर सिस्टर की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन है कि हमें क्लियर करना ही करना है, उन्होंने इतना अच्छा करा और हम नहीं कर पा रहे, तो ये एक्सपेक्टेशन का बोझा से भी बाहर निकलना है। अगर ये एक्सपेक्टेशन का बोझा रहेगा तो बिलीव में आपके लिए पास होना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। रैंक तो बहुत दूर की बात है, तो आपको ध्यान रखना है हार्डवर्क, कॉन्फिडेंस और लक। अगर इंडियन क्वालिफिकेशन है तो लक भी चाहिए, लेकिन अगर इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है तो हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस आर गुड इनफ, ठीक है। गुड इनफ पास रेट्स आर देयर, आपको किसी डरने की जरूरत नहीं है। लोग डराते हैं, जो लोग डराते हैं उन्होंने कभी वो चीज नहीं करी होती कि सीए में इतना कम पास रेट है। वो डराने वाले वो लोग हैं जो खुद नहीं जानते क्या टेक्निक्स हैं। आई वुड से लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मैक्सिमम लोग जो फेल होते हैं वो हार्डवर्क की कमी से नहीं फेल होते, वो लैक ऑफ राइट अप्रोच की वजह से फेल होते हैं, उनके जो अप्रोच होती है वो खराब होती है, उसकी वजह से फेल होते हैं। दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। आई होप ये अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट ए रैंक। थैंक यू सो मच।